हम किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहे हैं कि हम किसानों की लड़ाई को उनको पर जुल्म जो हो रहा है, ज़बरदस्ती उन पर जिस ढंग से षड्यंत्र हो रहा है और भी सरकार के द्वारा, उसके विरोध में हम किसानों के साथ हैं। और ये भी संकेतिक है, कल किसान की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे आएंगे। यदि किसानों की बात नहीं मानी गई और ये कहना कि हम 2 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, 1.5 साल लेकर फांसी, जो तीनों कानून किसान के गले में फांसी है, फांसी चाहे आज पड़े या 3 साल के बाद पड़े, कोई अंतर नहीं पड़ता। इस कानून को वापस सरकार को लेना होगा और हम लोग बाध्य करेंगे। कांग्रेस के हिसाब से क्या क्या खामियां हैं इन कानून में? सब खामी है। सबसे बड़ी बात तो है, हम किसान हैं। यहाँ बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी ने वचन दिया था कि दलहन के किसानों का अनाज खरीद लेंगे। 4 साल हो गया, 1 किलो अनाज नहीं खरीदा गया। हमारा अनाज सर गया या दलालों के यहाँ हमने 2 कौड़ी में बेच दिया। अभी 6,000-7,000 बीघा जमीन टाल क्षेत्र का, जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, वो परित रह गया, पानी में डूबा रह गया। जो आज तक हम जन्म 42 साल से तो राजनीति में है, अब 60 साल से ऊपर उम्र हो गई, 65 साल से, और आज तक नहीं सुना कि इस ढंग से कभी हुई है। तो जो किसान मर रहा है और उसके उस पर तुर्रा यह है कि जो हम लोगों का ट्रेडिशनली लोग थे उसको रोक रहा है, बड़े पूंजीपतियों का निवेश होगा उनको, सरकार को जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्हीं लोगों ने बाध्य किया था कि होल्डिंग पर, अनाजों पर होल्डिंग लगाया जाए। इस इतना से ज़्यादा हम लोग किसान होकर भी ठेक लगाते थे, उस पर छापा पड़ा। और आज आप लाखों टन अनाज के लिए, होल्डिंग के लिए, अनलिमिटेड नोट लाखों टन के लिए आप गोदाम बनवा रहे हैं। किसान को फांसी होगी। जो 2 रुपये में कोबी यहाँ बिहार में आप लोगों ने दिखाया कि अखबार में छपा कि 2 रुपये किलो जब कोबी बिकने लगा तो किसान ने ट्रैक्टर से जोत दिया, चूँकि उसको ज़्यादा होता है। तो जब हम अपने फसल को खेत में जोत रहे हैं और जब कैपिटलिस्टों का होगा तो 2 रुपये में लेकर 200 रुपये में बेचेगा। इसमें मध्यवर्गीय, शहरी आबादी, मजदूर, ये सब मरेंगे। चूँकि गेहूँ कोई 100 रुपये किलो बेचेगा जिस दिन इस समूचे गेहूँ को अपने तिजोरी में बंद कर लेगा। तो ये तो देश को फांसी है, केवल किसान को फांसी नहीं है। इसलिए यह कानून किसी भी कीमत पर, और जाएं कहाँ जाएं, हम SDO के यहाँ, CO के यहाँ, और सुप्रीम कोर्ट हो गया DM, हम लोग 4 बार मंत्री रहे हैं बिहार में, हम जानते हैं कि DM और सरकार में क्या संबंध रहता है और कैपिटलिस्टों से क्या संबंध रहता है। इसलिए कहीं भी नहीं न्याय में जा सकते हैं, न अपना आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और खेत को यदि वो ले लेगा तो हम लोग खेती भी नहीं करेंगे। सही में बिहार ऐसे राज्य में जहाँ 80% की जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है, उस राज्य में यदि ये कानून लागू हो गया तो समूचे बिहार में मजदूर के सिवा कोई किसान नहीं बचेगा। देखिए, पिछले 67 डेज से हमारे किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 काले कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है, जिसको कि लगातार केंद्र सरकार झूठे वार्तालाप का ढोंग भी किया है उन्होंने, 12 वार्तालाप जो है वो विफल हुई, किसानों पे आंसू गैस छोड़े गए, पानी की बौछार की गई, बावजूद इसके सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगा है। लगातार हमारे किसान भाई 3 काले कानून के वापस लेने के लिए सड़कों पे उतरे हैं और उन्हीं किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल भी इन सड़कों पे उतरा है शुरू से, पहले दिन से, चाहे वो ट्रैक्टर रैली हो, चाहे अन्य भी तरह की रैलियाँ हमने की किसानों के समर्थन में। और उसी श्रृंखला में आज हमने मानव श्रृंखला का निर्माण किया, किसानों के साथ हम खड़े हैं और हम चाहते हैं, अनुरोध करते हैं सरकार से कि वो 3 काले कानून को निरस्त करें, वापस लें। देखिए, आप अगर मैं 26 जनवरी की बात करूं तो 62वां दिन था जो हमारे किसान भाई लगातार शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कारण थी, ऐसी क्या स्थितियां उत्पन्न हुई जो 26 जनवरी को उस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। तिरंगा हमेशा हमारा ऊंचा था और हमारे किसान भी कह रहे हैं कि उन लोगों को चिन्हित कीजिए और दंडित कीजिए, क्योंकि वो जो उपद्रवी थे वो निश्चित रूप से किसान तो बिल्कुल नहीं थे, वो वहाँ के लोकल नेताओं के द्वारा इम्प्लांट लोग थे जो चाहते थे कि इस आंदोलन का रुख जो है वो मोड़ा जाए, लेकिन उनके चाहने से ये आंदोलन का रुख मुड़ा नहीं और वापस से आज उसी एकजुटता और मजबूती के साथ किसान वापस से सड़कों पे हैं और उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल का एक एक महागठबंधन का एक एक व्यक्ति खड़ा है।
ये तो प्रशासन की जांच का विषय है ना, प्रशासन को पता लगाना चाहिए आखिर क्या कारण थे कि जो रूट मैप किसानों को दी गई थी उस रूट मैप में आखिर उन्होंने अगर अतिरिक्त बलों की तैनाती की थी तो कितनी की थी। वो तमाम ऐसे विषय हैं जिसकी कि हम प्रश्न करते हैं प्रशासन से। आज दिल्ली के DGP कहते हैं कि हमें हमारे साथ विश्वासघात हुआ, क्या पुलिस विश्वास के साथ चलती है? पुलिस महकमे में एक बड़ा ही शब्द है, चर्चित शब्द है, शक के घेरे में, यानी पुलिस जो काम करती है शक के घेरे में करती है, लेकिन आज हमारे DGP कह रहे हैं कि विश्वासघात हुआ, तो जाहिर सी बात है ये उनका फेलियर है, उनकी नाकामी है जिसको छुपाने के लिए वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रश्न तो बनता है कि प्रशासन के द्वारा चूक हुई है और यही कारण है कि कुछ अराजक तत्व जो है उस भीड़ में शामिल होकर उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। तो ये जांच का विषय और उन लोगों को चिन्हित करके उनको दंडित करने चाहिए, क्योंकि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन पिछले 62 दिनों से दिल्ली में हो रहा था, देशव्यापी आंदोलन है, उसको आप इस तरीके से और कोई रुख या रंग नहीं दे सकते हैं। ये बात किसानों की है, अन्नदाताओं की है और उनके साथ देश का एक एक व्यक्ति खड़ा है और महागठबंधन शुरू पहले दिन से खड़ा है सड़कों पे और आखिरी दिन तक, जब तक ये सरकार तीनों काले कानून को वापस नहीं लेती है, खड़ी रहेगी।